महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में धरना आयोजित करने वाले और प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वाले 6 छात्रों को निकाल दिया गया है। ये छात्र मॉब लिंचिंग और रेप के आरोपी नेताओं को बचाने के खिलाफ धरना दे रहे थे। छात्र संगठन ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक छात्र प्रधानमंत्री को जो खत लिखना चाहते थे उसमें मॉब लिंचिंग, सरकारी कंपनियों की बिक्री, कश्मीर मुद्दे और रेप के आरोपी नेताओं के बचाव से संबंधित बातें थी। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन के 9 अक्टूबर को लिखे खत के मुताबिक छात्रों को आचार संहिता और प्रशासनिक काम में दखलअंदाजी के चलते सस्पेंड किया गया है। दरअसल ये मामला बुधवार को शुरू हुआ। विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का बुधवार को आयोजन किया। छात्र नेता चंदन सरोज के मुताबिक यह कार्यक्रम 49 विख्यात व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले पर प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। बता दें कि 49 व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा था जिसमें मॉब लिंचिंग पर चिंता जताई गई थी। हालांकि बुधवार को बिहार पुलिस ने रात्रों का मामला वापस ले लिया है। सरोज की रिलीज के मुताबिक जब छात्रों ने प्रधानमंत्री को खत लिखने की कोशिश की तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। प्रशासन ने भारी मात्रा में सुरक्षा बढ़ा दी और छात्रों को गांधी हिल में जाने से रोक दिया। इसके बाद छात्रों ने गांधी हिल के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने चंदन सरोज समेत 6 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। जिन छात्रों को सस्पेंड किया गया उनके नाम हैं नीरज कुमार, राजेश सारथी, रजनीश अंबेडकर, पंकज वेला और वैभव पिपलंकर। लेकिन निष्कासन वाले लेटर में विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम के बारे में कोई बात नहीं कही गई। कारण में आचार संहिता और प्रशासनिक कार्य में बाधा पैदा करने की बात कही गई है। इससे पहले प्रशासन ने कार्यक्रम लॉन्च करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया था। इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विस कानूनों का हवाला दिया गया था। चंदन सरोज ने बताया कि 9 अक्टूबर को हुए धरने में करीब 100 छात्र शामिल थे, लेकिन खास तौर पर 3 दलित और 3 ओबीसी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।